जय हिंद दोस्तों, आप सबका सिद्धार्थ सर लाइव क्लासेस में स्वागत। फ्रेंड्स, आज से हमने आपके लिए नया सीरीज शुरू कर दिया है जो कि करेंट अफेयर्स। इस समय आपका चाहे रेलवे की बात की जाए या आने वाले जो भी एग्जाम है या एसएससी या फिर तुम्हारा एमपी समवदा शिक्षक भर्ती या जितने भी या सीपीओ की भर्ती जो भी भर्ती है, सभी में करेंट का वेटेज ज़्यादा बढ़ा दिया, जो कि आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर करेंट अफेयर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आपके लगभग यहाँ से सारे करंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे और जो पिछले 6 महीने के उन्हें भी हम धीरे धीरे उनको भी इसी में इन्वॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा जो पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर आप करंट की पूरी तैयारी चाहते हैं और वीकली हम इसकी एक आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं करंट की फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले मैं सभी से चाहूँगा कि सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट आपकी जो न्यूज है, मोस्ट न्यूज है, हाल ही में स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। आपकी जो अभी करंट लेटेस्ट करंट है कि सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। तो ये जो सदैव अटल की जो है, जो पूर्व प्रधानमंत्री के देहांत के बाद उनके लिए जो स्मारक बनाया गया, उसका नाम जो दिया गया सदैव अटल। और ये जो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये उद्घाटन जो जहां बनाई गई है स्मारक, दिल्ली में बनाई। अब फ्रेंड्स, यहां दिल्ली की बात आती है तो चलिए हम कुछ दिल्ली के फैक्ट जान लेते हैं। दिल्ली के इस समय मुख्यमंत्री हैं जो तुम्हारे अरविंद केजरीवाल हैं। अगर और आजकल एग्जाम में जैसे कि तुम्हारा रेलवे में पूछा जाने लगा कि वहाँ किसकी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ मैं बता दूँ आम आदमी पार्टी के CM हैं जो तुम्हारे अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है तुम्हारे अनिल बैजल जी, और वहाँ से जो विधानसभा सीट है वो तुम्हारी फ्रेंड्स 70 हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है, 26वें बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। जो तुम्हारी सेकेंड न्यूज है, यहाँ जो पूछा गया 26वें बाल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, तो ये जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका जो किया गया, उड़ीसा में किया गया। तो फ्रेंड्स, जब उड़ीसा की बात आती है तो यहाँ उड़ीसा के हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जितने भी फैक्ट होंगे तुम्हारे उड़ीसा के फैक्ट यहाँ। तो उड़ीसा के जो तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी हैं, और वहाँ की विधानसभा जो सीट आजकल पूछी जा रही है एग्जाम में, जो कि 147 है फ्रेंड्स, और तुम्हारी वहाँ की लोकसभा सीट है जो कि 21 यानी कि 21। तो फ्रेंड्स, आपको सेकेंड क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और फ्रेंड्स, ये तीसरी जो न्यूज है, मोस्ट न्यूज है, अभी हाल ही में किस देश ने, देश के रक्षा मंत्रालय ने सफलतापूर्वक आवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का अंतिम परीक्षण किया। तो हमें ये बताना है कि आवान गार्ड जो तुम्हारी मिसाइल है, इसका किस देश ने परीक्षण किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर क्लियर कर दूं, ये रूस ने किया गया, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है। तो फ्रेंड्स, यहां से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपको यहां से 3 क्वेश्चन यहां से इतनी सारी न्यूज मिलती है आपको। चलिए फ्रेंड्स, एक ये है, हाल ही में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग जी को हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, और इन्हीं के साथ तुम्हारे राहुल द्रविड़ जी को भी किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तुम्हारे इतने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से आपको ये दिवस भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल दिवस भी पूछा जाता है, तो हम हर रोज के वीडियो में एक दिवस इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो बताना है, NCC दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको जो मैं बता दूं, ये 25 नवंबर 1948 से शुरू किया गया था, जो कि पंडित नेहरू के समय से। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये किसके समय से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से। तो फ्रेंड्स, आपको पांचवे क्वेश्चन से यहां से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगला है आपका जो क्वेश्चन यहां से फ्रेंड्स, जो ये न्यूज है, हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास 2018 किन दो देशों के बीच किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर मैं बता दूं, भारत और रूस के बीच इंद्र नौसेना 2018 अभ्यास आपका किया गया। तो
तो फ्रेंड्स ये मोस्ट क्वेश्चन है आजकल, युद्ध अभ्यास से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये तुम्हारा है, आरबीआई ने कितने रुपए का नया नोट जारी किया है, तो ये बताना है कि हाल ही में आरबीआई ने कितने रुपए का नया नोट जारी किया गया है। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं, ये तुम्हारा 20 रुपए का। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कमेंट करके चाहूंगा आरबीआई का गठन कब हुआ था, तो मुझे कमेंट करके बता देना। और इस समय आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर कौन है सॉरी। चलिए यहाँ अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का समापन किस राज्य में होगा, तो हमें ये बताना है कि जो गीता महोत्सव 2018 का समापन किस राज्य में होगा। तो फ्रेंड्स ये तुम्हारा हुआ हरियाणा में, और यहाँ के जो सीएम है जो कि खट्टर जी है, तो ये भी आप याद रख लेना कि जो हरियाणा के सीएम है जो खट्टर जी है। चलिए फ्रेंड्स अगली जो तुम्हारी न्यूज है, हाल ही में ओपेक की 175वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो ओपेक की जो 175वीं बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो फ्रेंड्स आपको ये इस वीडियो में इतनी न्यूज आपको मिल जाती है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे जरूर एक बार बता दें, और लाइक बटन तो बनता ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।